अपने विवादित बयानों के कारण पाकिस्तान के सिंधियों से बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने माफी मांगी है। अक्सर उनके बयान के कारण वे निशाने पर बन जाते हैं और हाल ही में उन्होंने सिंधी भाषा को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके पश्चात उनकी आलोचना की गई और उन्होंने एक पोस्ट लिखकर पाकिस्तान में सिंधी भाषी लोगों से माफी मांगी। नसीरुद्दीन ने कहा कि सिंधी भाषा बोलने वाले लोग उनकी गलत राय से दुखी हुए हैं। नसीरुद्दीन ने पहले यह दावा किया था कि सिंधी अब पाकिस्तान में नहीं बोली जाती। अविवाद होने के पश्चात अब उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर ये माफी मांगी और कहा यह एक गलती है। उन्होंने ये लिखा है कि मैं पाकिस्तान की पूरी सिंधी भाषी आबादी से माफी मांगता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी गलत राय से वो दुखी हुए हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे गलत जानकारी थी, किंतु क्या इसके लिए मुझे सूली पर चढ़ा दोगे? जैसा कि यीशु ने कहा, उसे फ्री होने दो। असल में कई वर्ष तक मुझे बुद्धिमान व्यक्ति समझे जाने के पश्चात अब मुझे अज्ञानी और दिखावा करने वाला बुद्धिजीवी कहलाने में मजा आ रहा और ये बड़ा परिवर्तन है। तो वहीं कुछ दिनों पहले शाह ने सिंधी और मराठी भाषाओं पर टिप्पणी को लेकर निशाने पर आए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मराठी में फारसी भाषा के शब्द हैं। बहुत से व्यक्तियों ने इसे समझ लिया कि उन्होंने मराठी को नीचा दिखाने का प्रयास किया। नसीरुद्दीन शाह ने इस पर एक और पोस्ट लिखा था और कहा कि ऐसा लगता है कि हाल ही में मैंने जो बोला उस पर दो गैर जरूर विवाद पैदा हो गया है। मेरा मकसद मराठी को कम दिखाना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि किस प्रकार विविधता सभी संस्कृतियों को समृद्ध करती है।